नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में बहराइच से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां तेंदुए के हमले से 6 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत। तेंदुए ने किया हमला, जिससे मासूम बच्चे की मौत हो गई है। वही घर से 500 मीटर की दूरी पर है जहां पर तेंदुए ने हमला किया है। गांव के बाहर गन्ने के खेत में घात जमाए बैठे तेंदुए ने किया बच्चे पर हमला। मोतीपुर रेंज की घटना, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वही घायल बच्चे को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में बच्चे की हो गई मौत। जनपद बहराइच तहसील मोतीपुर के अंतर्गत चंदनपुर के मंजरा खाले बढ़ैया का मामला, जहां पर 6 वर्ष के मासूम बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया। घायल बच्चे को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र मोतीपुर ले जाते समय उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है, अभिनंदन पुत्र राम मनोरथ उम्र 6 वर्ष, जिसको लेकर रात्रि करीब 8:30 बजे चंदनपुर में डॉक्टर ब्रिजलाल के घर से दवा कराकर अपने घर वापस जा रहे थे। तभी अचानक गाँव के बाहर गन्ने के खेत में तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया। वहीं खेत बचा रहे लोगों ने जब शोर किया तो तेंदुए ने बच्चे को छोड़ दिया। घायल बच्चे का इलाज के लिए ले जाते समय स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र मिहीपुरवा में रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। इस मामले को लेकर वन क्षेत्र अधिकारी मोतीपुर महेंद्र मौर्य ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, मैंने कुछ अधिकारियों को अवगत कराया और मौके पर पहुंचा। बच्चे को CSC पहुंचाया गया, जहां पर बच्चे की मौत हो गई। प्रभागीय वन अधिकारी आकाशदीप बधावन के निर्देशन में मौके पर पिंजरा लगा दिया गया है। जल्द तेंदुओं को पकड़ा जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ वन विभाग खड़ा है। विभाग की ओर से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। हम दवा कराने गए थे, वहाँ से आ रहे थे। कहाँ पर दवा कराने गए थे? चंदनपुर। किसके यहाँ? डॉक्टर के यहाँ। क्या डॉक्टर का नाम है? ब्रजलाल। फिर वहाँ से आ रहे थे, बगल में बच्चे को लिए थे गोद में, पीछे से बाघ आया, बच्चे को नट्टी पकड़ के खींच ले गया गन्ने में। तो बच्चा कैसे छूटा था? बच्चा बाघ खींचने से छूटा है। अच्छा, आपने मतलब खींचा है बच्चे को? हाँ। तब छूटा है? हाँ। तो इसके बाद क्या? उसके ऊपर गिर गए थे बाघ के ऊपर। अच्छा। जब वो बाघ मुक्का मारे हैं तब छोड़ी से, तब हम भैया के हैं उठाए भागे हैं। अच्छा, किधर को गया था बाघ, ये आपको पता है? इधर दक्षिण के साइड गन्ना माँ। अच्छा, गन्ने की तरफ गया था। हाँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। हाँ। कितने लड़का कितने लड़की हैं? दो लड़की हैं दो लड़का है। हाँ। अच्छा, आप करते क्या है, कौन सा काम करते हैं आप? कुछ ना खा रहे थे, मजूरी धतूरी करी खाई थे। अच्छा, जो ये बच्चा मरा हुआ है, ये जो एक्सपायर हुआ है, ये का नाम क्या है? अभिनंदन। ये जो वन विभाग की टीम ने आपकी कोई मदद किया है? कुछ नहीं किया, अभी कोई मदद नहीं किया है, नहीं किया है। सर, तेंदुए के मृत्यु से जो आज मासूम बच्चे की जान गई है, उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? कल हमको सूचना मिली स्वयं 8 बजे जी कि चंदनपुर गांव में एक बच्चे को तेंदुआ घायल कर दिया है। तत्काल हम इस सूचना को उच्च अधिकारियों को बताते हुए जी अपने टीम को लेकर के, STF जवान को लेकर के घटनास्थल पर वहाँ पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया, जो बच्चे को घायल किया था वो अभिनंदन नाम है उनके पिताजी, तत्काल लेकर के CSC हॉस्पिटल वहाँ महिपुरवा पहुँचे जी। महिपुरवा हम मौके पहुँच गए थे और देखा बच्चे का वो जो है वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल हम उच्च अधिकारियों को बता दिए, सर ऐसी घटना है और लगभग 6.5-7 साल का बच्चा है और उसके पिताजी दवा लेने गए थे और लौट रहे थे, घटना हुई है। और हम ये बताते हुए और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए कि भाई अब तो जो कुछ हुआ है हो गया है, बाकी ये विभाग आपको हम तत्काल जो है 10,000 का मदद करता है और बाकी शेष जो है प्रक्रिया होने पर आपको मदद किया जाएगा। फिर हम लोग घटनास्थल पर आ गए हैं, हम लोग ड्यूटी दिए STF वालों और सारी सूचनाओं अधिकारियों को जो है सूचना हम लोग देते रहे बराबर, हर मिनट पर कहाँ हम लोग हैं, कैसे हैं, क्या हैं। उच्च अधिकारियों ने हम लोग को निर्देशन भी दिए कि आप लोग वहाँ मौके पर रहिए, पिंजरा तत्काल लगा दीजिएगा और पूरी टीम सहित उस एरिया को देखते रहिएगा। UFT न्यूज 24 के लिए बहराइच से अनुज जायसवाल की रिपोर्ट।